नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में, यानी कि TCS के बारे में। TCS इंडिया में IT सेक्टर में दिग्गज स्टॉक है और यहां पर गिरावट होती हुई नजर आ रही है, तो खरीदने का अच्छा मौका है। लेकिन गिरावट की वजह जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे टाटा स्टॉक्स पर हमें खतरा मंडराता हुआ नजर आता है, ये खतरा क्या है वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है जहां पर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, तो कौन से हैं वो रीजंस? तो सबसे पहले TCS में, तो ये रीजन यहां पर पहला रीजन तो यही होगा कि मार्केट में अगर करेक्शन है तो कोई भी स्टॉक्स यहां पर बच नहीं पाता है। और दूसरा भी रीजन है, वो यहां पर सब्सिक्वेंटली हम कवर करने वाले हैं। तो आप जानते ही होंगे, यहाँ पर टाटा ग्रुप स्टॉक्स ट्रेड मिक्स्ड एज SP ग्रुप टू एग्जिट फ्रॉम टाटा सन्स। टाटा सन्स कैसे कामकाज करते हैं, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। टाटा सन्स यहाँ पर होल्डिंग कंपनी हम कह सकते हैं, लेकिन टाटा सन्स एक प्राइवेट कंपनी है। यहाँ पर हम शेयर्स नहीं खरीद सकते, लेकिन दूसरे शेयर होल्डर जरूर होते हैं। टाटा फैमिली है और SP ग्रुप भी है, जो कि आपको पता ही होगा। द मिस्ट्री फैमिली लेड ग्रुप हैड रिसेंटली मिस्ड अ डेडलाइन टू क्लियर इट्स ड्यूज ओड टू इट्स ग्रुप कंपनी स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर। इसी की वजह से सारा ये तामझाम होता हुआ नजर आ रहा है, क्या है वो भी जान लेते हैं। टाटा ग्रुप स्टॉक्स वेयर ट्रेडिंग मिक्स्ड आफ्टर शाहपुरजी पोलनजी ग्रुप ऑन सितंबर 22 टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट वुड एग्जिट फ्रॉम द टाटा सन्स। तो यहां पर टाटा सन्स से एग्जिट करना है, इसलिए यहां पर हमें यहां पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। इन अ स्टेटमेंट द SP ग्रुप व्हिच ओन्स 18% स्टेक इन टाटा सन्स सेड सेपरेशन फ्रॉम टाटा ग्रुप इज नेसेसरी ड्यू टू द पोटेंशियल इंपैक्ट दिस कंटिन्यूइंग लिटिगेशन कुड हैव ऑन लाइवलीहुड्स एंड द इकोनॉमी इंडिकेटिंग अ पोटेंशियल एंड ऑफ द 70-year ओल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ इंडियाज बिगेस्ट ग्रुप। आपको पता होना चाहिए ये कोई नई दोस्ती नहीं है, पहले काफी ज्यादा पुराना रिलेशनशिप रहा है टाटा सन्स और SP ग्रुप का, काफी ज्यादा पुराना रिश्ता है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी अटपट हमें खटपट होती हुई नजर आ रही थी। आपको पता होना चाहिए साइरस मिस्त्री को यहां पर टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया था, उसके बाद वापस यहाँ पर चेयरमैन पद से उसे हटाया गया था। बहुत सारा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिला था, जो आपको पता ही है, और उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। और पहले भी ऐसा हो चुका है कि TCS में यहाँ पर SP ग्रुप ने पहले अपना स्टेक थोड़ा सा सेल किया था, उसकी वजह से भी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन दूसरा कोई रीज़न नहीं था यहाँ पर, रीज़न वही था स्टेक सेल का, कि यहाँ पर जो अपनी खुद की कंपनी है वहाँ पर जो कर्जा लेकर रखा है उसे चुकाना था, इसी वजह से हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी। द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑर्डर्ड अ स्टेटस क्यू ऑन द ट्रांसफर एंड प्लेजिंग ऑफ टाटा सन शेयर्स बाय इट। तो यहाँ पर अभी माजरा ये चल रहा है कि यहाँ पर जो 18% स्टेक SP ग्रुप के पास है, वो यहाँ पर इसे प्लेज करना चाहते हैं, लेकिन टाटा सन्स, टाटा फैमिली, रतन टाटा जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करने देंगे, हम यहाँ पर प्लेज नहीं करने देंगे। अगर आपको बेचने हैं तो हमें ही बेच दीजिए, टाटा सन्स को, टाटा फैमिली को, रतन टाटा को ही, टाटा सन्स के आप यहाँ पर शेयर्स जो है वो बेच दीजिए, 18% का स्टेक बेच दीजिए, हम उसे खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन यहाँ पर उसे प्लेज करने की यहाँ पर वो बहुत ही खटपट दिखाई दे रही है, प्लेज करने नहीं दिया जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें खड़ी होती हुई नजर आती है। द मिस्ट्री फैमिली लेड ग्रुप हैड रिसेंटली मिस्ड अ डेडलाइन टू क्लियर इट्स ड्यूज ओड टू इट्स ग्रुप कंपनी स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर। इसे ही चुकाने के लिए यहां पर जो स्टेक है उसे बेचा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू एन इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट, अ टाटा सन्स लॉयर इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द ऑफर टू परचेज द 18% स्टेक ओन बाय द कैश ट्रैप शाहपुरजी पोलनजी ग्रुप टू रेज मनी फॉर पेइंग मैच्योरिंग डेट। जैसे कि मैंने कहा, यहां पर टाटा सन्स के जो यहां पर लॉयर है वो खुद यहां पर राजी है कि हम खुद खरीद लेंगे 18% स्टेक, बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हम खरीदने के लिए यहां पर तैयार है, और यहां पर प्लेज करने के लिए बिल्कुल ही मना कर रहे हैं कि आपको हम प्लेज करने बिल्कुल ही नहीं देंगे, तो इसी वजह से प्रेशर बनता हुआ नजर आता है। ये फिर आज की बात नहीं है, ये फिलहाल की बात नहीं है, यहां पर पहले से ही होता आ रहा है। ये जो SP ग्रुप है उसकी वजह से काफी बार टाटा सन्स के, टाटा के शेयर्स पर हमें यहां पर प्रेशर बनता हुआ नजर आता है। स्पेशली TCS पर ज्यादा प्रेशर दिखाई देता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी कंपनी है टाटा ग्रुप में, और प्रॉफिटेबल कंपनी भी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली, सबसे ज्यादा दिग्गज कंपनी, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी हमें TCS का ही दिखाई देता है। IT सेक्टर का बेताज बादशाह है, उसी से ज्यादातर रेवेन्यू आता है, उसी से ज्यादातर हमें प्रॉफिट हमें दिखाई देता है। दूसरी टाटा की अनेक कंपनियां है, टाइटन है, वोल्टास है, गिनाते रहेंगे हमको खत्म हो जाएगी, यहां पर काफी समय लग जाएगा, बहुत सारी कंपनीज दिखाई देती है, लेकिन TCS के टक्कर में कोई भी दूसरी कंपनी नहीं है, तो TCS पे ही ज्यादा प्रेशर हमें यहां पर दिखाई देता है। तो यहां पर TCS में खरीदने का मौका है या नहीं है वो भी समझेंगे, कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए वो भी जानेंगे।
तो यहाँ पर ओवरऑल मैंने आपको सिचुएशन समझाने की कोशिश की है, जो एसपी ग्रुप है उसी वजह से हमें यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन देखने को मिलना है, वरना यहाँ पर जो स्टॉक्स है वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है टीसीएस, या कई और स्टॉक्स के बारे में बात करें तो वो भी हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ही दिखाई देते हैं, और फिलहाल के समय की बात करें तो थोड़ा सा प्रेशर हमें बनता हुआ नजर आता है। यहाँ पर एसपी ग्रुप अपना स्टेक बेचना चाहती है, उसके बाद हमें ओवरऑल टाटा ग्रुप के शेयर्स में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं TCS का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2,332 रुपीज़, जो कि हमें 5.48% नीचे दिखाई देता है, 5.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। मार्केट कैप की बात करें तो दिग्गज कंपनी है, 8,74,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, पी रेशियो 28.56 है, जबकि इंडस्ट्री का पी हमें 25.66 दिखाई देता है, प्राइस टू बुक रेशियो है 11.76, डिविडेंड डील की बात करें तो धमाकेदार डिविडेंड डील है, 3.35% की स्ट्रॉन्ग डिविडेंड डील हमें यहाँ पर दिखा देते हैं, अच्छी बात है, ग्रोथ वाला भी स्टॉक है और साथ ही साथ डिविडेंड भी काफी अच्छा देता है। आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 34.38% की डिलीवरी हमें देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ओवरऑल रीजनेबल डिलीवरी है, 30% के आसपास की डिलीवरी मुझे अच्छी दिखाई देती है, तो यहाँ पर 35% के आसपास की है तो हम कह सकते हैं कि रीजनेबल डिलीवरी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आईटी स्टॉक्स में धमाकेदार रिकवरी देखने को मिल रही है, 1500 के आसपास लो बनाने के बाद आप देख पाएंगे अच्छी रिकवरी हमें यहाँ पर देखने को मिली है, 1500 से ये 2500 के आसपास के लेवल पर जाता हुआ नजर आया है, ऑल टाइम हाई इसने अपना फिलहाल ही बनाया है। अगर बात करें यहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में तो आप देख पाएंगे RSI का नंबर वीक होता जा रहा है, 46.26 हो चुका है, शार्प वीकनेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर बात करें यहाँ पर मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 55.96, यहाँ पर भी ओवरऑल हमें वीकनेस देखने को मिल रही है, लेकिन 55 का नंबर काफी ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। MACD के बारे में बात करें तो यहां पर MACD में जो क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, आप देख पाएंगे MACD में ऐसी पूरी तैयारी दिखाई देती है, यहां पर एक्चुअली हो चुका है, यहां पर आप देख पाएंगे आज ही हमें बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, यानी कि संकेत है कि यहां पर और भी गिरावट हो सकती है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर निकल चुका था, तो थोड़ा सा करेक्शन तो बनता ही था, फिलहाल अपर बैंड चल रहा है 2563 के आसपास, मीडियन है 2374 का लेवल, लोअर बैंड 2185 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2267 का लेवल, यहां पर फिलहाल गिरावट हो रही है, तो सपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर 2206 का लेवल दिखाई देता है, उससे नीचे जाए तो 2155 का लेवल हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल वन मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बनाकर दी है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने बनाकर दिए हैं, यहां पर आप देख पाएंगे कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में जनरली देखने को नहीं मिलता है, जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 20 मंथ्स का ईएमए और 50 मंथ्स का ईएमए ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर आता है। फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 2080 के आसपास का लेवल, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो 2250 2300 का लेवल था एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया था, पिछले 1.5-2 साल से ये एक लेवल था जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के द्वारा दिखाई दिया था, जब भी स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया था, लेकिन इस बार ये लेवल टूटता हुआ नजर आया और ज्यादा हमें तेजी भी यहां पर देखने को मिली थी। अब देख पाएंगे लेवल हमें टूटता हुआ नजर आया था 2300 का लेवल, ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं ये जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, लेकिन ये रेजिस्टेंस भी टूट चुका था और उसके बाद हमें 2500 के लेवल्स भी देखने को मिले थे। तो यहाँ पर एसपी ग्रुप का जो मामला हमें चलता हुआ नजर आ रहा है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कॉरपोरेट है, यहाँ पर कॉरपोरेट वर्ल्ड में ऐसा होता रहता है कंपनीज है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रॉक है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए। टेक्निकली अगर बात करें तो जैसे यहाँ पर जो पहले एज अ रेजिस्टेंस लेवल हमें दिखाई देता है वही लेवल बाद में हमें एज अ सपोर्ट दिखाई देता है, तो टेक्निकली यहाँ पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, वो 2200 से करके 2300 के आसपास बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। टेक्निकली बात करें तो ये लेवल काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है, लेकिन जैसे कि आपको बताया मार्केट करेक्टिव मोड में हमें चलती हुई नजर आ रही है और फिलहाल ऐसे स्टॉक्स में हमें बाइंग करनी चाहिए जहां पर जो अपने 52 वीक लो के आसपास हमें दिखाई देते हैं, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। ऐसे स्टॉक्स हमें ढूंढने चाहिए जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है और वहां पर अपने मार्च के लो के आसपास आते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कई स्टॉक्स हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है लेकिन फिर से हमें करेक्शन देखने को मिल गया है, जैसे कि HUL है, नेस्ले है, IGL है, पीडीलाइट इंडस्ट्री है, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो IT सेक्टर है,
काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पर मेरा मानना है कि अगर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले तो वहाँ पर हमें बाय करना चाहिए। टेक्निकली तो मैंने आपको बता दिया है, तो वहाँ पर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है ट्रेडिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, हालांकि ज़्यादा मैं ट्रेडिंग आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ, और ओवरऑल फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से भी ट्रेडिंग मुझे यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल दिखाई नहीं देता है। और अगर बात करें कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए, तो मेरा मानना है कि अगर आपको स्टॉक ये 200 डेज का जो EMA कैलकुलेट होकर आता है वो 2146 के आसपास का लेवल, तो अगर आपको स्टॉक 2150 के आसपास नजर आता है, 2150 से 2200 के आसपास नजर आता है, तो ये लेवल एक अच्छा लेवल हो सकता है जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर बाय एंड डिप्स करना शुरू कर सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।